महंडरी के लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, जो दुकानें गिर गई थी उनको उठा रहे हैं। और ये है जी मानूर वाला नाला, जो पुल को बहाकर ले गया था। और ये वो अस्पताल हैं जो डूब चुकी हैं दरियाई कुनहार में। जब से ये पुल वाला वाकया हुआ है, एक रुपया चार्ज नहीं किया, आने पे भी डिस्काउंट दिया है। अस्सलाम वालेकुम खातिम नजरात, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और हैरियत से होंगे जी। मांडरी बाज़ार को अभी तक चार दिन हो चुके हैं, चार से पाँच दिन हो चुके हैं, अभी तक मांडरी वाला पुल नहीं लगा है, जो वाजी नारान का गान का जोड़ है। मांडरी बाज़ार में रहने वाले लोगों के मकान, दुकानें और उनका कारोबार इस नाले में डूब चुका है, और अभी तक ना ये पुल बने हैं। पहले पुल का काम जारी था, लेकिन अब फिर पुल का काम ख़त्म हो चुका है। और अभी यहाँ पर वो डोली लगाने का काम लगा हुआ है, लेकिन फिर से बारिशें शुरू हो चुकी हैं। यानी फिर से बारिशें होंगी तो फिर नाले आएंगे। अभी तक किसी ने भी इस पुल का काम शुरू नहीं किया, यानी जो काम शुरू किया था पिछली अपडेट में आपने देखा, वो फिर ख़त्म हो चुका है। और ना तो अभी मशीनें लगी हैं, ना तो कोई और कुछ, कोई काम भी नहीं हुआ है, ना तो आधा काम हुआ है। कोई पाइप नहीं डाले हैं, पहले जो पाइप डाले थे वो भी इसमें चले गए हैं, इस बाव में चले गए हैं। आप देख लें कितना ख़तरनाक बाव है इस नाले का। और अभी तक बारिश हो रही है, आगे भी दो तीन दिन और हैं जिन दिनों में बारिश होनी है, तो ये फिर आ जाता है। और फिर जितना भी काम हुआ था, वादी नारान का गान का ये जो नाला आया हुआ है, और जो लोग नारान वाली साइड का गान वाली साइड पर स्टॉक होकर रह चुके हैं, क्या उनके लिए होटल फ्री हैं, रूम रेंट फ्री हैं, वो भी आगे आपको बताते हैं। उनके मुंह जबानी से आपको सुनाएंगे क्या होटल रूम रेंट्स फ्री दिए गए हैं या नहीं। ये आप देख लें, ये वो बाजार है मांडरी वाला जहां पर अभी तक पोल नहीं लगा। ये जो आपको येलो रंग का मकान नजर आ रहे हैं, ये मकान नहीं बल्कि ये मस्जिद है। और उसके साथ में आगे आप देखें, ये वो पुल है जो अभी तक नहीं लगा है। और सेंटर में आप देखें, ये वो कोई नाला नहीं नजर आ रहा है इस टाइम। दरिया से इसका ज्यादा बहाव हो चुका है, और आगे दरियाई कुनहार इसके साथ में टच है, और दरियाई कुनहार को भी इसने रोका हुआ है। और बहुत सारे लोगों को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस टाइम। इसमें कितनी लकड़ियाँ, कितनी लोगों की जाने, और कई सिलेंडर वगैरह की दुकानें, और कितने कारोबार यहाँ पर लोगों के थे। पूरी लाइन एक दुकानों की थी, वो इसमें चली गई है, और बहुत सारे लोग भी इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, और इस नाले ने काफ़ी नुकसान किया है। लेकिन अभी तक ये पुल नहीं लगाया है, और ना तो बस बहुत सारे लोग आते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, फिर चले जाते हैं, और अभी तक इसका कोई हल नहीं हो पाया है। तो ये आप देख लें, ये वो लोग हैं जो दूसरी साइड पर नहीं जा सकते, और इसी साइड पर ही रुके हुए हैं, और इनके लिए कोई यहाँ पर रास्ता नहीं है। ये किस रास्ते से जाएं? एक हाइकिंग वाला रास्ता, वो बहुत ज़्यादा लंबा है, फिर मजबूरन उसी से जाना पड़ता है जरैद वाली साइड पर। इसने दूर दराज लोगों के कितने नुकसान किए हैं आप देख लें। और ये मांडरी बाज़ार है, ये आप देख लें कितनी तबाही की हुई है रोड वाली साइड से। और ये आप देख लें जी, कितने ही दुकानें, कितनी ही मंजिलें इसमें चली गई हैं। और ये आप देख लें, ये हालात हैं इस टाइम मांडरी पुल वाले बाज़ार की। इस बाज़ार में मंजिलें कैसे डूबी आप अपनी नज़रों से देख लें जी। अभी एक क्लिप्स आने वाला है, वो भी देख लें। आपने देखा भी होगा इस तरह से मंजिलें डूबी गई हैं। ये देखें, ये एक प्लाजा था, ये भी गिर चुके हैं। इसी तरह बहुत सारी दुकानें भी गिरी हैं, और पता ही नहीं चला कि कब ये अपने साथ इनको बाहर ले गया। एकदम से आया और एकदम से अपने साथ बाहर ले गया। और ये देखें, वो दुकानें हैं जो गिर गई थी, और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं, इन दुकानों को लपेट रहे हैं। यहाँ पर जितना भी निज़ाम हुआ था, नीचे देखें ये दरियाई कुनहार है, ऊपर दुकानें गिरी हुई हैं, बीच में कुछ गिरी हुई हैं, लेकिन जो माल समेटा जा सकता है वो यहाँ पर समेट रहे हैं। और देखें, फुल दुकानें भरी हुई थी, और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रुके हुए हैं, और कोई इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी रास्ता नहीं बना है यहाँ पर, कभी जिप लाइन लगाते हैं फिर उतार देते हैं। और टूरिस्टों के अपने मुँह ज़बानी सुने क्या होटल फ्री हैं या नहीं, तो सुने। हमारा स्टे फ्री है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं, इनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, माशाल्लाह स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब से मांडरी का पुल डैमेज हुआ है, हम हेरिटेज में स्टे किया हुआ है, इन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इधर आज दी है। सबसे ज्यादा इनका जो स्टाफ है वो कोऑपरेट है, खाने पे भी डिस्काउंट दिया है। पेशावर से बिलोंग करते हैं, हमने दो दिन पहले जाना था, लेकिन मांडरी के मकाम पे चूंकि पुल जो है वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बह गया है, और उस वजह से यहाँ पे जो काफी सयाह हैं वो स्टक होके रह गए हैं। उन्होंने हमें हमसे अभी तक जब से ये पुल वाला वाकया हुआ है एक रुपया चार्ज नहीं किया, इवन हमें खाने पीने में 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट अवेलेबल है। और मैं जितनी रूमर्स और लोग सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि ऐसा कोई चीज़ या ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं उसकी बिल्कुल उसकी नफ़ी करता हूँ। और बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एकोमोडेशन हमें अवेलेबल और प्रोवाइड की गई है।
बहुत सारे लोग मुझे वीडियो में कमेंट में ये बता रहे थे कि यहाँ पर फ्री नहीं हो सकता, लेकिन आपने अपनी मुँह ज़बानी से सुना कि लोगों ने कहा हमें फ्री आप पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें फ्री भी मिल रही हैं और ये काम पहले लगा था फिर रुक गया है, लेकिन ये बस यहीं पर मशीनें लगी हुई हैं लेकिन कुछ खास काम नहीं हो रहा है। तो आज की अपडेट आपको कैसी लगी उम्मीद करके ज़रूर बताएँ। आगे बातचीत बताई हुई हैं अभी तक ना आए 14 अगस्त तक अपना प्लान बिल्कुल भी ना बनाएँ जब तक ये अभी तक क्लियर नहीं हो जाता, जो ही क्लियर होता है आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।